ये ब्लॉग स्पेशल महाशिवरात्रि पर रहने वाला है। ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा है यार हमारा तो सब। तो इस चक्र को हम जो धक्का लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ लगता है वो फाइनली हम पहुँच गए हैं बैना टेम्पल। ये बहुत बड़ा सांग तेरे बिना यह जिंदगी सच में बेकार है। बोले तिरता है ना बहुत घना प्यार है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मेला की। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। ओके गाइज, ये व्लॉग हमारा स्पेशल महाशिवरात्रि पर रहने वाला है। तो बहुत बड़ा टेंपल है बैरना टेंपल। ओके गाइज, तो पहले से ऑलरेडी मुझे वीडियो बना चुका हूँ मैं बैरना टेंपल पर, लेकिन गाइज महाशिवरात्रि होने की वजह से मुझे सोचा कि ना टूरिस्ट पर एक व्लॉग और बनाया जाए। तो बस गाइज मेरे साथ है मेरी सिस्टर, एक संगीता सिस्टर, बड़ी सिस्टर मेरी, एंड ये सेकंड मंटू, ये हमारे छोटी सिस्टर पलट, एंड ये बड़ा भांजा, एंड वो छोटा भांजा। आज के लोग बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं यार। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। तो यहाँ से बैरना की जो दूरी की बात करते हैं तो 30 किलोमीटर जितनी दूर पर है। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, सो लेट्स सी। जल्दी चलो 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 यार, ये हमारा सारा हरा जम यहाँ पर रहने वाला है। हमारे साथ ही ये बैग है, एंड गिम्बल है, एंड ये गोगल। गाइस फाइनली हम जो यहाँ पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, और यहाँ पे डीजल हमें को डालना है। तो डीजल डीजल डाल के फिर बाद में निकलते हैं यहाँ से। ये जो रास्ता है इस साइड, तो हमें जाना हिम्मत ना कर। हमारे जो डीजल तो डलवा ही गए, तो जल्दी से बनते हैं आप। फाइनली गाइज अभी हम पहुंच गए हैं गांबोई, एंड यहाँ पे हमारे जो रास्ते के बीच में ये चक्रा थोड़ा हीट हो गया है। हीट की वजह से थोड़ा कुछ बीच बीच में बंद हो जाता था, इसकी वजह से मुझे सोचा कि किनारे रेस्ट लिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं और चक्रे को भी रेस्ट देते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं गाइज। तो यहाँ से ज़्यादातर नहीं है गाइज, 10 किलोमीटर जितनी दूरी पर है हमारे जो बैरना टेम्पल। ये जो आप देख सकते हैं हमारा छकड़ा है, वो यहाँ पे हीटिंग हो गया था। हीटिंग की वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है। क्या हुआ है? ओके, तो जीजू यहाँ पे थोड़ी कुछ कारीगरी कर लेते हैं। हाय गाइस, वीडियो को लाइक करो। तो ये छकड़ा हमारा 10 ईयर पुराना है गाइस। तो अभी जो जीजू स्टार्ट करते है, वैसे जीजू एंड सिस्टर छकड़ा स्टार्ट करते है। तो वैसे ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा है यार हमारा तो छकड़ा, बहुत तकलीफ में है हम जो। तो इस चक्र को हम जो धक्का लगाना पड़ेगा वैसे, तो बस अभी जो धक्का लगा लेते हैं तभी जाकर ये जो स्टार्ट होगा। लगाओ लगाओ हर शो। चलो चलो कोई बात नहीं यार, तभी तो आती है यार वो बात नहीं। हमारा चक्रा तो बिगड़ गया यार, धक्का करे यार। जय भोले, आज तो शिवरात्रि है यार, थोड़ी कुछ हेल्प कर दो भोलेनाथ। हम बीच में रुके यार आपके द्वार आ रहे थे। जय भोले, फाइनली हमारा जो चक्रा तो बिगड़ गया, अभी देखते हैं आगे। बीच ही बन रहे हैं यार। वाह, यहाँ पे यार कांड हो गया है लगता है। तो ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है लगता है वो खबरें। तो देखो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं बैरना टेम्पल पे। तो यहाँ बहुत सारी पब्लिक है जो टेम्पल पे दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर जितनी दूरी पर हमें जो छकड़ा रखना पड़ेगा, फिर बाद में जाना पड़ेगा टेम्पल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत सारी है और ट्रैफिक भी बहुत है। तो बस गाइज जल्दी से बढ़ते हैं गाइज टेंपल की तरफ। बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी जो पब्लिक है यार, भीड़ 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 यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। तो देखो गाइज यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी आ गई है यार, बहुत सारा सिक्योरिटी आ गई है यहाँ पे। तो भीड़ इतनी है कि क्या ही बताऊँ यार। तो टेंपल के अंदर तो कैसी भीड़ होगी जाकर देखेगा भाई, मुझे तो अजीब लग रहा है यार। बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आया हूँ मैं, एक बार आया था लेकिन तभी नहीं आया थी, तब भी यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। ऐसे आज तो क्या शिवरात की वजह से इतनी सारी भीड़ है भाई। आज तो गोला खाने वाले हैं, ठंडा ठंडा गोला। तो अभी हमारा जो विंटर ख़त्म हो गया और समर स्टार्ट होगा, तो समर में क्या है कि ठंडा तो बस खाना पड़ेगा। तो बस गाइज फाइनली वैसे थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं टेंपल के अंदर,
सोचा नहीं था यार इतनी सारी भीड़ होगी। तो ऐसे कोविड कोविड जैसा कुछ लगता नहीं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा मुझे चेंजिंग लग रहा है क्योंकि दोस्तों वन ईयर पहले मुझे एक वीडियो जो बनाई थी तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गेट है। यहाँ पे पकौड़ी पकौड़ी भी मिल जाते, तो वैसे सोचा नहीं था यार यहाँ पे जो बहुत सारा अपडेट हो गया है अभी। तो गाइस मेरा भांजा बहुत हैरान हो गया है, उसको जो ट्रैक्टर लेना है। तो गाइस यहाँ पे जो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं तो इस सीढ़ी के साथ हम जो साईं बाबा का टेम्पल जा सकते हैं एंड यहाँ पे प्रसाद प्रसाद लेना है तो प्रसाद प्रसाद यहाँ पे मिल जाता है। ओके तो गाइस हम विशालेश्वर हनुमान जी के टेम्पल पहुंच गए और एक से दो किलोमीटर जितनी दूरी पर हम जो चलते चलते आए इसकी वजह से हम जो थक गए तो यहाँ पे जो बैठे हैं हम थोड़ी देर में हम जो मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। पहले तो गाइस हमें जो मेन गेट के अंदर एंटर होते ही पहले हमें देखने को मिलेगा बहुत बड़ा शामुक। तो गाइस ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा शामुक एंड आपको दिखाता हूँ ये बहुत बड़ा शामुक है सामने वहाँ पर बतख है आप देख सकते हैं कोई वाला बहुत सारे बतख है यहाँ पर। ये शामुक कैसे बोलता है आप देख सकते गाइस। बस गाइस आगे बढ़ते हैं आगे जाके देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे देखने का लायक है। तो वहाँ पे हमें जो रेबिट भी देखने को मिल जाता है और मंकी भी देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं तेरे बिना यह जिंदगी सच में बेकार है। बोले तेरता है ना बहुत बड़ा प्यार है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहले। गाइस तो यहाँ पे तो बहुत सारा अपडेट हो गया यार, इतना सारा अपडेट हो गया क्या ही बताऊँ यार। तो ये मूर्ति है ये शिव जी की मूर्ति, तो यहाँ पे शिव जी की जटा से पानी आ रहा है तो वो सिस्टम तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो पहले मुझे मैं यहाँ पे आया था तभी तो ये सारी अपडेट नहीं थी। तो बस गाई जाइए इस मंदिर के अंदर हम जो दर्शन करने गए हैं फिर बाद में वहाँ पे जाने वाला है। हाँ तो गाइस यहाँ पे जो गोबा बाबा का टेम्पल है तो गोबा बाबा टेम्पल के साइड में बहुत बड़ा जो रास्ता है आप देख सकते हैं। तो बस गाइस अभी यहाँ पे हम जो जाने वाले हैं साइड में बहुत बढ़िया शिव जी की मूर्ति है। तो बस गाइस जाके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप व्यू से ऐसा कुछ दिखता है जो ऊपर से हम जो देखते हैं तो कितनी पब्लिक है आप देख सकते हैं गाइस। क्यों इतना दिया यहाँ पे जलाते हैं, वैसे इसमें जो घी डाल रहे हैं वैसे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जाकर हम जो देखते हैं। अब भी हम जो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है तो थोड़ी कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। तो भूख भी बहुत लग रही है तो थोड़ा कुछ ठंडा ठंडा पीना करेंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हमारा दर्शन तो हो ही गया है तो अभी हम निकल गए हैं टेंपल से बाहर।
यहाँ पे नाश्ता पानी करेंगे, फिर बाद में देखते हैं गाइस कैसा रहता है हमारा ब्लॉग। तो ये जो हमारे साथ है भांजे एंड भतीजे, तो वो क्या खेलने के लायक खेल रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर बाद में देखते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस आइसक्रीम खाओगे बोलो। हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हमारे जो सामला जी में मेसो डैम है, तो मेसो डैम के हम जो विजिट करने के लिए गए थे तभी जोर चना गर्म वाले वहाँ पे भी खड़े थे और आज यहाँ पे भी मिल गए हैं। तो मुझे ये नहीं पहचानेंगे लेकिन मैं थोड़ा कुछ याद दिलाऊंगा आपको। तो वेबन आप तो मेसो डैम पे सर। हाँ अरे यार वो तुम्हारी वो तो निकली नहीं मेरे पे। अच्छा तो वो वीडियो अपलोड ही नहीं किया अगर, तो आप बना दो एक बार फिर से। नहीं यार डीजी लोडिंग क्या नहीं करी। हाँ क्यों नहीं करी, ये तो हो जाएगी फाइनल ऐसा है। हाँ उस साइड से रहा है तो अजीब लगता है, चारों तरफ झूमता यार मत नगर भी देता हूँ। अच्छा ऐसा है। तो यार बहुत सारी पब्लिक 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 यार, हम तो सब अलग अलग घूम रहे हैं यहाँ पर। ऐसे हमारी पूरी फैमिली पीछे है और मैं और भतीजा है दोनों आगे आगे जा रहे हैं। गाइस अभी जो बहुत सारा धूप है यार, अभी जो दोपहर के बज गए हैं ढाई और हम यहाँ पे खाने वाले हैं गोला। तो अभी हम पीने वाले हैं गन्ने का रूप। ओके गाइस जो ऐसे सीन कुछ ऐसा है कि हमें खाना था गोला और हमें जो गोला तो यार तो नहीं मिला, लेकिन गाइस जो हमें गन्ने का जूस तो पी लिया। लेकिन गाइस दो सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे, तो दो सब्सक्राइबर अननोन थे तो वो हमें मिल गए। तो उसके जो बात की दिल से कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा यार। तो बस आप तो वो ही लोग वीडियो देख रहे हो तो इसके लिए थैंक यू यार। तो फाइनली हम पहुँच गए हमारे छतर के पास, यहाँ पे तो बहुत सारा धूल धूल हो गया है। रेडी हो आप? तो बस अभी हम निकलने वाले हैं घर के साइड, तो दर्शन तो हमारे हो गए। तो ये मम्मी बहुत शर्मा रही है तो उपवास की वजह से थोड़ा कुछ टेढ़ा टेढ़ा लग गया। जल्द से जल्द निकलने वाले हैं गांबोई सी साइड, तो हमें यहाँ पे गोला नहीं मिला तो गांबोई तो गोला मिल ही जाएगा फाइनल। चलो हर हर महादेव हर हर महादेव। अरे बाप रे यहाँ पे पब्लिक आप देख सकते हैं यार, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, ओहो इतनी सारी ट्रैफिक यार, ट्रैफिक यहाँ पे तो ट्रैफिक ट्रैफिक हो गई यार। आज तो मेरे भांजे की हैप्पी टाइम आ गई है, 150 ये भांजे के लिए ले लिया है ट्रैक्टर। तो मेरी कॉलेज ग्रामर कॉलेज के सामने यहाँ पे जो मिल रहा था। तो देखो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम जो बेरणा मंदिर जो दर्शन करके आए हैं पत्रेश्वर महादेव के मंदिर दर्शन करने के लिए, दिल से लगता नहीं था कि मुझे भोलेनाथ का दर्शन किया है। हर साल हम जो यहाँ पर दर्शन करके ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक नहीं है क्योंकि सुबह सुबह में आग कर चली गई है सभी। और अभी जो शाम के बज गए हैं 4:30 के, तो जल्दी से बढ़ते हैं गाइस टेम्पल के अंदर। आप देख सकते हैं मेरी आँखों पर तो अभी भी नींद दिख रही है आपको। तो गाइस मुझे ऑलरेडी पहले से व्लॉग बना दिया है इस टेंपल पर, तो वो जो है बहुत बड़ा गेट, उस गेट के अंदर एंटर होते ही हमें जो ये छोटी सी एक सीलिंग देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं गाइस। तो अभी जो हम इस गेट के अंदर एंटर होने वाले हैं। बोले तेरता है ना बहुत बड़ा प्यार है, तने छोड़ के भी किच जाऊं मैं, तू है मेरा संसार है, तेरे बिना ये जिंदगी। अभी हमारा जो ये शिवलिंग का दर्शन हुआ है आज का, तो मम्मी अभी अंदर दर्शन कर रही है। बहुत बड़ा प्यार है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की। पत्रेश्वर महादेव के टेंपल में जो शिवरात्रि के दिन प्रसाद सिस्टम है, फराड़े में प्रसाद मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें जो प्रसाद प्रसाद खा लिया है। फाइनली हम पहुँच गए हैं टॉप व्यूज पे जो पत्रेश्वर महादेव के टेंपल पर। तो ये जो टॉप व्यूज है ऐसा कुछ व्यूज दिखता है। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं घर पे एंड अभी जो शाम की बज गए हैं 6:30 दोस्तों।
तो वैसे सीन कुछ ऐसा है कि गाइस हम जो ग्रोमर से पत्रेश्वर महादेव का टेम्पल आए थे, हम जो दर्शन करके फिर बाद में वहाँ पे हमारी जो बैटरी मोबाइल की खत्म हो गई, उसकी वजह से मैं आउट्रो नहीं बना पाया। वैसे आपके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो यार, मुझे ठीक से करता यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा यार। लास्ट 3 से 4 वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला यार, दिल से करता यार। तो ऐसे ही प्यार देते रहो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। तो बस कही धीरे धीरे से हमारे चैनल को बूस्ट भी मिल रहा है यार, तो जल्दी से जल्द आप बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर लीजिए। बस कही बस इस व्लॉग को हम जो ज़्यादातर लंबा नहीं बनाते यार, ज़्यादातर बोरिंग ना होती है, इस व्लॉग को हम जो यहाँ पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो तब तक लिए टाटा, टेक केयर दोस्तों, खुश खुशियाँ बांटते रहो। Love you all, Mr.